हेलो फ्रेंड्स, तो आ चुके आज हम अपने को नए गेम प्ले के साथ। तो यहाँ पे अभी हमारी फेवरेट जगह मतलब कि जोजियो पुल पे और सर्कल बना था जहाँ पे स्क्रैप चंप मिलते हैं ज्यादा। तो यहाँ पे अभी हम चढ़ जाते पहले टावर के ऊपर। तो टावर के ऊपर चढ़ के हमको भाई अच्छा व्यू मिलेगा और जितने भी बंदे होंगे सबको मार देंगे। तो यहाँ पे पहले हम चढ़ रहे थे टावर पे। तो आज हमारे साथ आया था एक मैच में हैकर, तो देखो हमने उसको कैसे मारा। तो पहले अभी हम यहाँ पे ऊपर आ जाते तो यहाँ से देखते बंदा दिखे तो पहले तो कोई बंदा नहीं दिखता, लेकिन एक बंदा भागता हुआ हमको दिखता है। तो यहाँ पे बंदे को ज्यादा भागना ना पड़े इसलिए हमने इसको सीधा प्लेन में बिठा दिया और उसको जहां पे भी उतरना हो उसको उतार देगा प्लेन का ड्राइवर। तो यहाँ पे अभी हम कर देते एक और बंदे को नॉकआउट। तो वो बंदा तो भाई कवर में चला जाता है। तो पहले हम यहाँ पे लगा लेते हैं हीलिंग, क्योंकि भाई उस बंदे ने भी हमको देख लिया था कि हम यहाँ पे। तो भी इस साइड भी बंदे थे और मैं पीछे भी देख रहा था कहीं से ऊपर ना आ जाए जंप पंच करके। तो अभी यहाँ पे हम इस बंदे को भाई नॉकआउट तो करते हैं लेकिन फिनिश नहीं कर पाते, क्योंकि वो बंदा चला जाता है नीचे कि तभी देखो एक कैम से कोई बंदा उसका किल ले जाता है। तो यहाँ पे वो बंदा मर जाता है लेकिन हमको किल नहीं मिलता। तो यहाँ पे इस बंदे को पता था कि मैं यहाँ पे, वो फिर भी इस साइड से ऊपर चढ़ रहा था। तो इसको भाई सीधा ही हमने दूसरी बार प्लेन में बिठाया, मतलब कि दूसरे बंदे को पहली बार प्लेन में बिठाया। तो यहाँ पे अभी हम आ चुके थे आगे, क्योंकि भाई अभी ऊपर रहना खतरों से खाली नहीं था, क्योंकि दूसरी साइड टावर पे कोई चढ़ जाता तो मेरे को मार देता आराम से। तो अभी मेरे को सामने एक बंदा दिखता है, तो देखो वो भी किसी को स्प्रे दे रहा था। और उसको हम दे देते यहाँ से। तो इस बंदे को तो हमने मार दिया, लेकिन जैसे ही हम वेड़ा उसके बाहर निकलते कि हमको सामने से दिखता है केड़ी बढ़ाने वाला बोट। तो यहाँ पे हम इसको भी मार के थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा केड़ी बढ़ा लेते। तो यहाँ पे अभी हम चलते आगे थ्री वेयरहाउस की साइड। तो हम यहाँ पे आते हैं तो भाई हमको नहीं पता था कि आसपास कहीं पे बंदा है। तो देखो क्या होता है, हम तो ऐसे ही चल रहे थे कि अरे क्या ही कैंपर होते हैं भाई, सीधा ही अंदर से निकला और कर दिया मेरे को नॉकआउट। तो यहाँ पे देखो इसका नाम है मुन, और ये मुन को तो भाई वापस हम मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं, मतलब कि धमाकेदार जवाब देंगे। तो अभी हम दूसरी बार यहाँ पे कूदे थे तो देखो यहाँ पे भाई दो बंदे आ चुके थे और हम पे कर रहे थे बम की बारिश। तो थोड़ा सा स्पीड में चला रहा हूँ, क्योंकि भाई अब देख लो क्या ही बमबारी हुई थी आपने सामने। और वो तो दो थे भाई, एक फटका तो भी रिवाइव दे देता, लेकिन मैं अकेला था इसलिए मेरे को डर था कि मेरे को बम में ना फोड़ दे। तो यहाँ पे अभी देखो वो दोनों बंदे पुश करने के इरादे में थे। तो यहाँ पे पहले गड्डी उठा के वो चले जाते हैं पीछे, लेकिन मेरे को लगता था एक बंदा यहीं पे है, लेकिन भाई वो देखो पीछे से राउंड मार के सीधा आता है क्योंकि गाड़ी की स्पीड बढ़ जाए। लेकिन एक बंदे को तो रास्ते में ही गिरा देता हूँ। और यहाँ पे गाड़ी को फुल डैमेज हुआ था और वो बंदे ने जैसे ही एक गाड़ी को गोली मारी कि भाई सुसाइड हो गया। इसका किल नहीं मिला लेकिन कोई बात नहीं, सुसाइड हो गया, अपने आप ही मर गया। तो अभी मैं इनमें से थोड़ा सा लूट लेता हूँ और बाद में फिर से यहाँ पे आके भाई लेटता हूँ, क्योंकि अभी जोन था काफ़ी बड़ा और हमको थोड़ा सा सर्वे करना था कि तभी पीछे से गाड़ी आती है। और ये दोनों बंदे को तो भाई क्या ही झटका लगा होगा, आए और सीधा गए, तो बिल्कुल टाइम नहीं लगा इन दोनों को तो भाई सीधा लॉबी पहुँचाने में। तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर रुकता हूँ जब तक जोन यहाँ से भाई छोटा हो जाए, बाद में हम यहाँ से निकलने वाले थे, मतलब कि तब तक कहीं पे रुकना हमने ठीक समझा। तो बाद में जैसे ही जोन छोटा होता है तो हम यहाँ पे आके लेट जाते हैं और देखो क्या होता है। तो यहाँ पे भी भाई जोन के कॉर्नर में थे तो जोन दूसरी साइड चला गया था। तो यहाँ पे आके मैं थोड़ी देर रुकता हूँ क्योंकि सामने की साइड बंदे होते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं वेट करता हूँ कि वो गाड़ी लेके निकले, लेकिन तब तक कोई और बंदे उसके पास आ जाते और फाइट होती है उनकी।
तो मेरे को यहाँ से एक बंदा दिख रहा होता है तो मैं उसका किल ले लेता हूँ। और इसका नाम देखो क्या होता है, जो कैंपर था हमको पहली बार मारा था वही था। तो यहाँ पे मैंने हिसाब बराबर कर लिया अपना। तो यहाँ पे अभी हम लेटते हैं, लेकिन भाई जैसे ही जोन शिफ्ट होता है कि हम सीधा जोन में जाने के लिए निकलते तो भी हम यहाँ पे आते हैं, लेकिन यह घर में भी बंदे होते हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे पीछे ही रोक लूँ, क्योंकि अभी मैं गाड़ी घुमाता तो गाड़ी फूट भी सकती थी। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि अंदर चला जाऊँ और बाद में देखूँ कि भाई कहीं पे बंदा दिख रहा है कि। तभी मेरे को सामने एक बंदा दिखता है, लेकिन मैं जैसे ही उसके ऊपर भाई स्कोप ऑन करता हूँ तब तक वो नीचे जंप कर देता है। तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि अभी पास वाले घर पे भी बंदे होते हैं तो मैं करता हूँ इसके घर में मौली। लेकिन जैसे ही मौली का भाई थ्रो करने जाता हूँ कि मौली मेरे पास ही गिर जाती है। तो यहाँ पे अभी मैं फिर से बाहर निकल जाता हूँ, क्योंकि उस बंदे को भी पता था मैं घर के अंदर ही हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं सोचता हूँ कि मैं उस पर करूँ ग्रेनेड, घर में फोड़ दूँ यहाँ से बाहर से ही। लेकिन जैसे ग्रेनेड के पिन खींचता हूँ कि वो दोनों बंदे भाई हम पे पुश करने के लिए आ जाते हैं। देखो अभी क्या होता है। तो यहाँ पे भाई एक बंदे को तो हमने मार दिया था, लेकिन पीछे से भी दूसरा बंदा आ जाता है तो वो बंदा हमको मार देता है। तो यहाँ पे हमको 15 प्लस मिल जाते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने दूसरे गेम प्ले के साथ, मतलब कि जिसमें हैकर आया था उस गेम प्ले में। तो अभी देखो मैं यहीं पे खड़ा हूँ और किया ही इसने स्मोक में से मारा, लेकिन मेरे को लगा कि इसने ऐसे ही मार दिया क्योंकि रेंडम स्प्रे दिया होगा और मर गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये बंदा था हैकर और मैंने उसका नाम भाई फिर देखा किल फीड में बार बार आ रहा था। तो यहाँ पे मेरे को नहीं मालूम था कि मेरे को पहली बार जिसने नॉक किया वो यही है। तो मैंने अभी दूसरी बार मेरा रिकॉर्ड का गेम प्ले देखा तब मालूम चला कि ये इसने मेरे को मारा था। तो अभी देखो बंदे बचे होते हैं 6, मतलब कि हम दो और हैकर वाली टीम के 2 बंदे और 2 बंदे कोई और थे। तो अभी तो हम यहाँ पे शेक में होते हैं, तो देखो वो भाई हैकर कैसे मारता है वो बंदे को। तो यहाँ पे पहले कर लेते हम हिल। तो अभी सामने गाड़ी आई थी तो वो उसकी गाड़ी होगी मेरे को लगा, तो पहले मैं करता हूँ यहाँ पे ऐसे ही फायर। बंदा मेरे को दिख नहीं रहा था लेकिन ऐसे ही करता हूँ, लेकिन अभी मेरे को गाड़ी के नीचे बंदा दिख रहा था। तो यहाँ पे मैंने उसको काफ़ी डैमेज दे दिया था, लेकिन बंदा नॉकआउट नहीं होता। तो अभी देखो क्या होने वाला है, 5 बंदे हैं, मतलब कि हैकर वाले 2 और हम 2। तो हैकर ने एक बंदे को मार दिया तो अभी 2-2 बंदे बचे। तो यहाँ पे भी मैंने सोचा कि आगे स्मोक करके हमको जोन में निकलना है, तो पहले मैं करता हूँ यहाँ पे आगे एक स्मोक। और यहाँ पे मेरा बंदा जैसे ही स्मोक करने जाता है थोड़ा सा ही ओपन की, देखो ये ही मार दिया है उसने भाई, गलत तरीके से मार रहा था, मतलब कि इसका ही नाम चल रहा था किल फीड में। तो यहाँ पे वो बंदे करते हैं हम पे पुश और देखो क्या होता है अभी उसके साथ। तो यहाँ पे भाई मैंने डैमेज दे दिया था तो मैंने सोचा कि मर जाऊँ या मार दूँ, तो मैं पीछे पीछे जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जिसको पहला नोक दिया वही हैकर था, मेरे ख्याल से वही गाड़ी चला रहा था इसलिए मेरे को नहीं मार पाया। तो अभी मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि गाड़ी फोड़ दूँ तो दूसरा भी मर जाए, लेकिन नहीं मरता। तो मैंने यहाँ पे पुश ही करना था, क्योंकि नहीं तो वो रिवाइव हो जाता तो हैकर मेरे को आराम से मार देता। तो यहाँ पे देखो कि यही हैकर को मारा है, इसके लिए भाई एक लाइक तो बनता ही है। तो यहाँ पे हमारा चिकन हो जाता है हैकर को मार के, और वो भी भाई ऐसे तैसे नहीं, उसके सामने मुंह पे फाइट लेके मारा है, इनके लिए एक लाइक तो बनता है।